कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे तामर ध्वज को आरे से चिरवाकर दो फाड़ करवा दिया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उस शरीर को भगवान श्री कृष्ण जी ने पुनः जोड़ दिया, फिर जीवित कर दिया। क्योंकि तामर ध्वज के श्वास शेष थे, उसकी जीवन शेष था, वो भी उसकी आयु बची हुई थी, इसलिए श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया। और अभिमन्यु के प्रारब्ध में आगे जीवन नहीं था, उसकी इतनी ही आयु थी, इसलिए श्री कृष्ण जी उनको जीवित नहीं कर सका, अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जबकि अति आवश्यक थी। जब वहां जाकर तो पंगा लिया उन्होंने, वो चिरवाया और फिर जीवित किया, और यहां आवश्यकता थी, अपनी बहन रोए, सारा कुंबा रोए, उनका कुल नाश हो रहा था, और वहां जीवित नहीं कर सका। क्योंकि ये नहीं कर सकते, ये किसी भी भाग्य में परिवर्तन, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इन बातों को सुनकर बुद्धिमान व्यक्ति प्रभावित होते थे, और परमात्मा का बोलबाला काफी स्थानों पर हो गया। अब परमात्मा कहा करते थे कि भी गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब परमात्मा की इन बातों से बहुत प्रभावित होते थे बुद्धिमान व्यक्ति, और कहते थे भाई गुरु तो हमने बना रखा है। अब कबीर परमात्मा जी कहा करते थे कि भाई तुम कहते हो ना हमने गुरु तो बना रखे हैं, हम हमारे गुरु जी हैं, हमने उपदेश ले रखा है, कच्चा काम थोड़ा ही कर रखा है। तो परमात्मा कहा करते थे कि भाई ये गुरु जो है ये नीम हकीम है, तुम्हारे गुरु पूरे नहीं है, और पूरे गुरु बिना बात बने को नहीं। अब ये बात परमात्मा की धीरे धीरे काफी चर्चा का विषय बन गया। एक गुजरात के अंदर एक भरूच शहर है, भरूच डिस्ट्रिक्ट, और भरूच डिस्ट्रिक्ट से 12 किलोमीटर लगभग एक मंगलेश्वर गांव है, और वहां पर ये नर्मदा नदी एक टापू बना देती है। जमीन का एक 800-900 एकड़ का जो क्षेत्र है उसके चारों तरफ से यानी दोनों तरफ से जाके आगे मिल जाती है, उसको अपने घेरे में डाल रखे, उसको टापू बोलते हैं। तो उसके अंदर 30-40 घरों का गांव था। पहले छोटे छोटे झोपड़ियां होया करती थी, और जल का आसरा लेकर ही वो वहां रहा करते थे। तो उसके अंदर उस टापू में अर्थात 800-900 एकड़ जो जगह थी वहां पर 30-40 घरों का एक गांव था, और उसमें जीवा दत्ता नाम के दो ब्राह्मण भाई रहा करते थे, और भी ब्राह्मण परिवार थे उसमें। अब वो जीवा और तत्वा, उसको दत्ता भी बोल देते हैं, तय को दै भी बोल देते हैं। तो हम संत लैंग्वेज में जीवा और दत्ता बोलते हैं। वो बहुत परमात्मा के चाहने वाले थे, परमात्मा की चाह के अंदर वो इतने मगन थे कि जगह जगह जाते थे, संतों के सत्संग सुना करते थे। अब जहां भी वो जाते थे तो ये बताया जाता था कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता,
और फिर ये भी कहते थे कि पूरा गुरु हो, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी से भयभीत होकर के वो सभी संत मंडलेश्वर ब्राह्मण ऋषि ये शब्द भी कहने लग गए थे कि भाई गुरु पूरा हो, पूरे बिना बात बने को नहीं। और अपने आप को फिर पूरा सिद्ध करने के लिए बहुत से उदाहरण दिया करते थे। तो जीवा दत्ता जी दोनों भाई परमात्मा के प्राप्ति के लिए मोक्ष कराने के उद्देश्य से संतों के पास जाते, उनके विचार सुनते और सभी ये शब्द बोलते, यही वचन कहते कि गुरु बिन मोक्ष नहीं और गुरु पूरा हो। तब उन दोनों भाइयों ने सोचा भी धाम जहां भी जाते हैं, जिस भी ऋषि महर्षि के संत के मंडलेश्वर के गुरु के ब्राह्मण के वचन सुनते हैं, हमने तो वो सारे अच्छे लगे हैं। यानी प्रत्येक संत ज्ञान देता है, भगवान की चर्चा करता है, हमें तो सभी अच्छे लगते हैं। लेकिन ये पहचान हम कैसे करें कि इनमें पूरा कौन सा है? सभी अपने आप को पूरा बताते हैं, इनकी वे ऑफ वर्सी भिन्न भिन्न है, इनके ज्ञान में भी अंतर है। तो ये कैसे निर्णय करें कि गुरु पूरा है? तो उन्होंने सोचा भी देखो मनुष्य जीवन बार बार मिला को नहीं, क्योंकि ज्ञान जो सत्संग सुनाया जाता है, जो जहां भी कोई सुनाता है, तो यही कहते हैं भी मानुष जन्म बार बार प्राप्त नहीं होता। 84 लाख योनियों के अंदर धक्के खाकर दुख उठा करके एक बार मानव शरीर प्राप्त होता है, और मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं की तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो पुण्यात्मा जो होती है उनकी छोटी सी बात ही बहुत ज्यादा चुभ जाती है, वो भयभीत हो जाते हैं, भगवान क्या होगा यदि अब के मोक्ष नहीं हुआ तो ना जाने कितनी बार कुत्ते गधे सुअर की योनियां प्राप्त करनी पड़ेंगी। इस दृष्टिकोण से इस मानव जीवन को सफल करने के उद्देश्य से जीवा और दत्ता ने अपने आप सोचा कि हे भगवान हमें पूरा गुरु मिलाओ, हम पूरे गुरु को समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे पहचान करें? तो उन्होंने आप पे एक डिसीजन ले लिया, एक वट वर्क्स की यानी बड़ की एक सूखी लकड़ी वह नीचे पड़ी थी टूटी हुई काफी दिनों से, उसको उठाकर अपने आंगन में जैसे पौधा लगाया करें, जो बना के गड्ढा खोद के और उसमें लगा दी वह गाड़ दी वो सूखा खूंड। और फिर उन्होंने के विचार किया कि इस सूखे खूंड में इस सूखी डारी में टहनी में हम मंडलेश्वर संतों के चरण धोके और चरणामृत डालेंगे, यदि चरणामृत डालने से यह सूखी टहनी हरी होगी हम उसको पूरा गुरु मान लेंगे। वैसे पुण्यात्माओं ये कोई तरीका नहीं था पूरे गुरु की पहचान का, पर वो बोले वाले थे, श्रद्धा गणी थी भगवान में और पूर्ण परमात्मा और पूरे गुरु के लिए वो तड़फ रहे थे। तो परमात्मा अपने ऐसी आत्माओं के लिए कोई ना कोई तरीका बनाता है। उन्होंने क्या किया, किसी भी मंडलेश्वर के पास जाते और उनसे उपदेश की प्रार्थना करते, उनके चरण धोके और अपने पात्र में डाल लाते। अब चरणामृत तो कोई भी दे देता है, गुरु संत आके उसमें डालते हैं, कई एक को अपने घर पर भी बुला देते, कोई आसपास जा रहा होता वहां पहले उनके चरण धोते, आहार कराते और उस लकड़ी में पानी डालते, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कई वर्ष बीत गए। अब उन दोनों भाइयों ने प्रार्थना की रोकर एक परमात्मा, हे मालिक पूरा गुरु कोई है नहीं, क्योंकि हमारी टहनी हरी हुई नहीं, इनके
चरणामृत से, और पूरे गुरु के बिना ये मानुष जीवन व्यर्थ हो जाओगा। ए परमेश्वर, या तो पूरा गुरु मिले, और नहीं तो हम अपने अपने दास के इस शरीरों को, हम दोनों भाइयों के शरीर को, मनुष्य जीवन को खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो परमात्मा, और उसमें शेष जन्म देना हमारा यु मनुष्य जीवन का, जिसमें पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत आया हुआ हो। वर्तमान में पृथ्वी पर कोई भी पूर्ण संत नहीं है। इतना कह करके घंटों रोए, घंटों रोए। अपुनात्माओं, जब आपको तड़प होगी भगवान के पाने की, फिर आप जी का यही हाल होगा। परमात्मा पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिया और शरीर का कोई ध्यान नहीं दिया, कठिन से कठिन तप किए। तो उसी सती थी, ये सती थी उन्हीं पुण्यात्माओं की होती है जो पुनर्जन्म से भी भक्ति करते हुए आ रहे हैं। कहते हैं संतों से साधा से ती मस्करी और चोरा नाल खुशाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। ये जो निकम्मी आत्मा है वो संतों के साथ बदमाशी करते हैं, मजाक करते हैं, उनको तंग करते हैं, और उन चोरा नाल खुशाल जो नकली संत हैं, बकवाद करते फिरे हैं, उन तरह जी रहे, उनके साथ प्रसन्न रहते हैं। और कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल मीन रेसलर, पहलवान। पहलवान वही होता है जो पहले एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो आप कई जन्मों से ये रिहर्सल करते आ रहे हो, आप कई जन्मों से भगवान के अखाड़े के माल हो, पहलवान हो। तो ऐसे ही वो जीवा और दत्ता भी वो युगन युगन के माल थे, उन्हीं में ये प्रेरणा होती है परमात्मा के पाने की। जैसे मीराबाई युगन युगन की माल थी, ना समाज देखा, केवल भगवान देखा, चाहे कुछ भी हो, मारो चाहे छोड़ो। तो ये माल होते, ये पहलवान थे मालिक के पाड़े के, और सफल हुए। ऐसे ही जीवा दत्ता वह युगन युगन के युगा युगा से वो पहलवानी यानी भक्ति करते हुए आ रहे थे, और उस भक्ति ने फिर अंगड़ाई ली पिछली पुण्य ने, और बहुत तड़पते, 6 महीने तक लगभग फिर रोते रहे, ए भगवान या तो ये शरीर छूट जा या कोई संत मिलाओ मालिक। एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। वो लाल ने को ढूंढने के लिए मालिक वहां पहुंच गए। दोपहर के समय उनकी उस झोंपड़ियों में यानी उस उनकी गली में चले जा रहे हैं। अब जीवा बाहर आया, जीवा ने देखा कि एक संत आ रहा है। उसने अपने भाई से जाकर कहा कि भाई एक संत आ रहा है, आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं। अब दत्ता ने कहा कि भाई आपने देख लिया, मंडलेश्वरों को भी देख लिया हमने, इनके पास कुछ नहीं है, और क्यों जख्म नया करे और कई दिन रोना पड़ेगा, कुछ ना पावे इनके पास। अब वो क्या देखा कि वो परमात्मा उनके गली के उनके घर के आगे से आगे कुछ ले गए, जैसे किसी का घर पूछ रहे हो, ढूंढ रहे हो। तो दत्ता बार बार जीवा के कहने से दत्ता बाहर गया। जीवा बड़ा भाई था दत्ता का। दत्ता ने बार बार कहा जीवा आप आपकी आज्ञा हो तो मेरा ऐसा दिल करे है इस संत ने बुला लिया हूं मैं। अब जीवा ने कहा भाई कोई बात नहीं, अब तेरी इच्छा है तो ले, मैं क्यों मना करूं तुझे, देख ले। वो वापस गए तो परमात्मा फिर वापस आ रहे हैं उनके घर की तरफ, वापस जैसे घर गांव से बाहर जाने वाले हों।
तो दत्ता ने जाके चरण पकड़ दिए और कहा, परवरदिगार ये दास की झोपड़ी है, एक बार दर्शन दो, पवित्र करो दास की कुटिया को। परमात्मा बोले, चल भाई आगे अंदर। जैसा भी घर पर व्यवस्था थी, कोई बैठना मुड्ढा दे दिया, कोई छोटा सा स्टूल। और जीवा ने कहा, दत्ता जा कोई तसला ला उठा के, थाली ला, थाली प्रांत ला, चरण धोएंगे। महाराज आए, भगवान आए, यानी संत आए हैं, संतों परमात्मा का रूप होता है, उनका ट्रेनिंग थी वह डेली की। चरण धोए पानी से और जीवा ने कहा, जा दत्ता संतों के चरणामृत को कहीं ऐसे वैसे नहीं डालना चाहिए, वहां पौधे में डाल दिए, उसमें पौधे में। अच्छा जी, अब दत्ता ने जाकर वो जो ही पानी डाला उस तसले से, प्रांत से, जैसा जिसमें पात्र में डाल रखा था, और पानी डालते डालते ही कोपल फूटे ही, उस वट वृक्ष की टहनी गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब दत्ता ने आवाज लगाई, जीवा दौड़ के आना, जीवा जल्दी आ। जीवा गया, क्या कि देख भगवान आ गए, आज जिसकी चाह थी वो मिल गया हमारे को। अब देखे थोड़ी देर में पूरी कोपल फूट गई, वह इतने लंबे लंबे पत्ते हो गए, सूखी टहनी गए। अब दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिया, एक एक पैर पकड़ लिया, रोवे बुरी तरह, मुंह की तरफ देखे, भगवान आप कहां छुपे थे, हे परमात्मा आप कहां छुपे थे, हमने तो सोच लिया था कि ये जीवन बर्बाद होगा। और यही प्रार्थना करते थे, भगवान या तो इस जीवन हमारा अंत कर दे, इस मनुष्य जीवन का, फिर दे देना जीवन, फिर जन्म देना मालिक, जब कभी परम संत यहां आए हों। हमने सोच लिया था इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं रहा। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि भाई बच्चा, अगर पृथ्वी पर संत ना होगा, इसमें आग लग जाएगी, यहां रह नहीं सकता प्राणी। ये तो संत यहां मैं रखता हूं, एक आध अपना भक्त, प्यारी आत्मा, या स्वयं आता हूं, जिससे पृथ्वी पर बैलेंस बना रहता है। और बेटा जब पृथ्वी पर संत नहीं होगा तो इसमें आग लग जाएगी, पूरी पृथ्वी कटकर मर जा, आपस में इतना बुरा हाल हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हमने तो आपकी बहुत इंतजार करी, आप नहीं आते तो हम 6 महीने और ज्यादा जीवित रहते, क्योंकि सूख का काटा हो गए थे और उनका जो है बुरा हाल था। अब दोनों ने उपदेश लिया, अब उपदेश लिया, ज्ञान सुना, सबसे न्यारा ज्ञान और सबसे न्यारा भगवान। उस ज्ञान से परमात्मा आते रहे, उनको ज्ञान सुनाते रहे, आते रहे ज्ञान सुनाते रहे। कुछ दिनों में वो ज्ञान से परिपक्व हो गए, वो उस ज्ञान को फिर सुनाने लगे अपने ब्राह्मण वर्ग में। अब ब्राह्मण वर्ग तो राम और कृष्ण तो परमान्ना को नहीं, शिव जी तो ज्यादा किसी की सुने नहीं, भैरव भूत की भी पूजा करवावे। अब उन्होंने पूछा भी, तुमने गुरु कौन बना लिया, ऐसा नास्तिक जो फिर महाविष्णु में ऐसे भी अलग कोई भगवान बताता है। तो उन्होंने बताया कि बनारस में, काशी में हमारे यानी परमात्मा ही आए हुए हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है कबीर जी। परमात्मा आएंगे, तुम्हें मिलवाएंगे। तो परमेश्वर फिर आगे अपने भक्तों को संभालने के लिए, जीवा दत्ता ने गांव वालों से कहा कि आ जाओ, आज भगवान आए हैं। अब ज्ञान तो सुना नहीं, शुरू से ही पूछने लगे, तू कौन है, तेरी जाति क्या है। वो ब्राह्मण लोग बोले, तूने हमारे भाइयों को, हमारे धर्म के लोगों को मिसगाइड कर दिया है, तू मुसलमान है या क्या है। परमात्मा ने कहा, जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञाने, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्याने। लेकिन नहीं माने। परमात्मा ने कहा भी, मैं जुलाहा
जुला हूं और कबीर मेरा नाम है और काशी में रहता हूं। वैसे मेरा मूल ठिकाना सतलोक है। अब सतलोक उन न सुना नहीं कदे, वो सतलोक न समझे के कहने लगे अच्छा धानक है तू, धानक है कहां, पक्का धानक हूं भाई, सारी सृष्टि की रचना बनाने वाला भी मैं ही धानक हूं और कपड़े बुनने वाला यहां पर भी मैं धानक हूं। सब उठकर चले गए। फिर उनका एक मीटिंग हुई, पंचायत हुई, कहने लगे भाई जीवा दत्ता को जाति से डाल दो, ये तो धानक का चेला बन गया, इसने तो हमारे जाति का नाश कर दिया, एक शूद्र का चेला बन गया, हम कहां मुंह दिखाएंगे। उन कर दिया फैसला, सुना दिया फरमान कि जीवा और दत्ता का आपस में भाईचारा बंद, ओका पानी बंद और कोई नहीं बात करे इन तय। सब जगह चिट्ठी लिख कर भेजती। अब दोनों बहुत दुखी हो गए, लेकिन ज्ञान ऐसा है परमात्मा का, सारा संसार रुष्ट हो जावे ये मार्ग नहीं छूट सकता। फिर वो माल थे मीराबाई की तरह, युगन युगन के माल थे, पहलवान थे, और माल वही हो जो सब ने ढा दे तो उनको कोई यूं तो हुई कि ये होता गया गलत, फिर कोई बात ना, परमात्मा चाहिए हमने वो मिल गया। फिर क्या हुआ कि जीवा के लड़का था और दत्ता के लड़की, दोनों विवाह योग्य हुए। अब कोई ब्राह्मण हाथ टेकन दे नहीं, बालकों का ब्याह क्यों कर करें। परमात्मा आए, चिंता व्यक्त की कि प्रभु ऐसे ऐसे समस्या आ गई हमारे सामने, वैसे तो आपके दास समर्पित हैं, आपके बच्चे भी ज्ञान को समझ चुके हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हमारे बिना ब्याह रह जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने आपके ज्ञान से हमें प्राप्त ज्ञान हो गया, पता लग गया कि 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती, इस वंश चला के देख ले 1 लाख बेटे थे रावण काज को, दीवा लावणी अभी कोई ना, वंश शेष रहा नहीं, या तो सब ने जाना है, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ बुरा कर दिया, इन ब्राह्मणों ने हमारी ओका पानी बंद भाईचारे से हम अलग कर दिए, हमारे बच्चों के रिश्ते भी ये नहीं लेते ना करते। परमात्मा बोले तुम एक काम करो, जगह जगह जाके कह दो भाई या तो हमारे बच्चों का ब्याह करवा होने दो, और नहीं होने देते हो तो हम इन दोनों बच्चों की शादी कराएंगे आपस में, जीवा का लड़का दत्ता की लड़की, इन दोनों का ब्याह आपस में करेंगे हम, और क्या करें। अब उन्होंने ऐसा ही एक प्रोपगंडा फैला दिया। अब ब्राह्मणा की फेर पंचायत हुई, भाई यू जमा नाश हो गया, बाण भाई का ब्याह होगा कि तुम दिखावांगे, उनकी पंचायत होगी। कहने लगे अब के विचार किया कि भाई लड़का लड़की का के दोष है, गलती तो उन दोनों ने कम्या की है, तो हम ये तो अलाउड कर दो भाई लड़की का और लड़कियां की ब्याह अन्य स्थान पर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं भाई, फिर तो कोई ब्याह ना करे, उनके तुम नो करो लड़के और लड़की ने गोद ले लो और फिर हम ब्याह करेंगे। तो वो आए सारे इकट्ठे होकर कि खबरदार जो तुमने आपस में ऐसा दीन भ्रष्ट किया तो, और ये लड़के लड़की तो हमारे हैं, ये लड़का लड़की हमें दो, हम इनको गोद लेते हैं, हम शादी करेंगे इनकी कित्ता करें ढंग से, तुमने इससे कोई लेना देना नहीं। वो बोले ठीक से ले जाओ, थरे लड़का लड़की ने वह समस्या भी हल कर दी, ब्याह आई भी परमात्मा ने उन आप पे ब्याह कराया दोनों बच्चों का, वह सर दर्द भी हटा दिया, ब्याह का खर्चा भी ना होया। तो फिर थोड़े दिन वो सीधे हो गए, ज्ञान समझ मान ला गया धीरे धीरे, क्योंकि वो बच्चे जहां गए उन्होंने भी ज्ञान समझाया, फिर वो सारा काम सेट हो गया, बच्चे भी उनको दे दिए और परमात्मा की भक्ति भी उस नगरी में तकरीबन करने लगे।
अब जो वो सूखे टहनी बट के वृक्ष में जरनामृत डाला था टहनी में, वो एक पेड़ बन गया पूरा, और वो पेड़ आज भी विद्यमान है। 600 वर्ष हो गए उसने, वो पेड़ आज भी विद्यमान है। और वहां पर कबीर पंथ के ये परंपरागत महंतों का वहां एक आश्रम बना हुआ है जो इन यादगारों को संभाले हुए हैं। उसको हम देखकर आए थे, स्वयं आंखों देखकर आए हैं, एक बार गए थे हम देखने के लिए। उसमें मंगलेश्वर गांव से एक नौका में बैठकर जाना पड़ता है, सामने एक बीच में दरिया है, उसको पार करके सामने वो स्थान है टापू सा। तो वो बता रहे थे कि पहले ये वट वृक्ष इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, यानी बड़ की एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक बड़ ने आगे बढ़ने की जगह मिल जाओ, वो ऊपर से इसकी दाढ़ी सी आती है नीचे जड़ें और जमीन में घुस जाती हैं, और कुछ ही देर में वो पूरा पिलर सा बन जाता, सपोर्ट देती है और आहार खुराक देती है, फिर आगे टहनी चली जाती है, यानी बहुत दूर तक जा सकता है। लेकिन अब उसको काट पीट कर दोबारा वहाँ खेती करने लगे, और वो थोड़ी सीमा में रह रहा है 2 एकड़ जमीन में, मतलब वो लगभग टोटल तो 4 एकड़ में गए है, यानी 2 एकड़ ऐसे बढ़ रहा है सेंटर से, 2 एकड़ 2 एकड़, तो ऐसे 4-5 एकड़ में अब भी वो विद्यमान है शेष बचा हुआ। बड़ी बड़ी दाढ़ी उसका नीचे गड़ी हुई, बड़े बड़े पेड़ हो गए ऐसे ऐसे। तो वहाँ वो महंत हैं, उनसे भी पूछा, वहाँ के गांव नगर वालों से भी पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि ये कबीर परमात्मा जी या जीवा दत्ता नाम के दो भाई ब्राह्मण भाई रहते थे, उनको ज्ञान दिया था, उन्होंने एक शर्त रखी थी, उस कारण से ये वह सूखे वृक्ष की टहनी यो पेड़ रूप धारण कर गई, आज भी वे प्रमाण वहां विद्यमान है। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें यही बताते हैं कि पूरा तो गुरु हो और फिर सत्संग अवश्य अटेंड करे, उस संत के फिर चरणों से दूर ना हो। परमात्मा पाने के कुछ फार्मूले बताए हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खावे, 100 काल झक झोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। ये दूसरा फार्मूला, एक तो है कि पूरे गुरु हो, फिर गुरु जी की शरण में आने के बाद छोटे मोटी आपत्ति यदि आ भी जावे, परमात्मा के द्वार से दूर नहीं होए। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही द्वार छोड़ दे जावे। सत्संग परमात्मा के चरणों से शरण से दूर ना होए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ाणी के अंदर, गांव छुड़ाणी जिला झुंझर हरियाणा प्रांत, इसमें गरीबदास साहिब जी का जन्म सन 1717 में हुआ और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सन 1518 में सह शरीर मगर स्थान से, मगर नगर से, मगर गांव से सह शरीर गए थे सतलोक में। और सन 1518 से के बाद सन 1717 में, अर्थात 100 गरीबदास जी का जन्म हुआ, सन 1727 में परमात्मा फिर वापस सतलोक से आए और गरीबदास जी को मिले। लगभग 209 वर्ष बाद, सतलोक जाने के 209 वर्ष के उपरांत, वो परमात्मा फिर यही लीला करने के लिए संत गरीबदास जी जब 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही नाना के खेतों में गव्वें चरा रहे थे,
पाली थे, और भी बहुत से ग्वाले थे, पाली थे, वहां आकर के मिले थे। गरीबदास जी ने परमात्मा से आहार करने की प्रार्थना की थी, उन पालियों ने जो ग्वाले थे। आहार नहीं किया प्रभु ने, कहा था मैं तो कहा था कि दूध पी लो। परमेश्वर ने कहा कि दूध मैं कुंवारी गाय का पीता हूं। एक कुंवारी गाय लाए, उसकी कमर पर थपकी मारी परमात्मा ने, कबीर जी ने, जो एक साधु भेष में थे, जिंदा महात्मा के भेष में थे। उस गाय के, कुंवारी बछिया के अपने आप दूध निकलना शुरू हो गया। नीचे एक छोटा सा मटका पात्र था, साफ किया हुआ, वो लगाया, वो दूध का भर गया, फिर अपने आप सतनों से दूध निकलना बंद हो गया। आधा कबीर जी ने पिया परमेश्वर ने, आधा गरीबदास जी ने पिया, और बाकी जो ग्वाले थे वो कहने लगे हम नहीं पीवे इस पाप के दूध को। वो चले गए उठकर दूर, जहां वो इकट्ठे बैठे थे गुरु संत के पास, परमेश्वर के पास। अब गरीबदास जी ने रुचि कर से बातें सुनी, परमात्मा उसी उद्देश्य से आए थे, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, और कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। उन लालों में से एक लाल गरीबदास जी थे, उनको ढूंढने आए थे, अपना गवाह बनाने आए थे कि इस कलियों के अंदर मुझे पहचान लेंगे मेरे बच्चे कि कबीर इज गॉड। गरीबदास जी को ऊपर सतलोक ले गए, उनका शरीर यहीं रह गया, आत्मा ऊपर ले गए, सब ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथी से परिचित कराए कि ये ब्रह्मा जी का लोक, ये विष्णु जी का लोक, ये शिव जी का लोक, ये स्वर्ग इंद्र का लोक, ये नरक लोक, यहाँ प्राणियों की ऐसी ऐसी दुर्गति होती है, ब्रह्म लोक काल दिखाया, परब्रह्म का लोक दिखाया, फिर सतलोक लेकर गए। सतलोक में परमात्मा से परिचित होकर के फिर उनको वापस छोड़ दिया गया। उसके बाद गरीबदास जी ने आंखों देखा, परमेश्वर का हाल बताया, और फिर वो ज्ञान बताया। तो फिर एक परमात्मा की महिमा की वाणी की रचना की है, जिसको गरीबदास जी की वाणी अमृतवाणी कहा जाता है। उसी अमृतवाणी से कुछ वचन आपको सुनाते हैं। न्योली नाद सुभान गति ये लड़े भुवंग हमेश, जड़ी जान जगदी से है विसनी व्यापेशु, अंश गमन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़, कौवा उड़ उड़ जाता है वो खाते मसाहाड, अंश दशा तो साध है सरोवर है सत्संग, मुक्ता हल बाणी चुगे ये चढ़त नवेला रंग। अब इन चार पंक्तियों में, तीन पंक्तियों में कैसा कमाल किया है। न्योली नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान जगदी से है विसना व्यापेशु। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहेब जी अपनी अमृतवाणी में, कि जैसे नेवला, नेवला एक जानवर होता है, वो 9 इंच का हो सके, गिलहरी आपने देखी हो, गिलहरी इससे थोड़ा बड़ा होता है, और ब्राउन कलर के उसके बाल होते हैं, बाल ब्राउन कलर होता है, ऐसा ही मिलता जुलता इतना ही प्राणी होता है, और वो सर्प को मार देता है। सर्प कितना लंबा होता है, को 6-6, 7-7 फुट का, 8-8, 10-10 फुट का लंबा हो जाता है, लेकिन वो छोटा सा प्राणी उसको कैसे मार सकता है, उसकी एक विधि, एक तरीका है उसके पास। वो सर्प को उस समय छेड़ता है जब उसको आसपास ये पता होता है कि इस झाड़ी में वो जड़ी है, उस जड़ी को सूंघ लेता है, उस जड़ी की महक को अपने अंदर समा लेता है,
और आकर के सर्प के सामने खड़ा होकर नेवला अपने श्वास छोड़ देता है। उस जड़ी की महक सूंघ कर जो आया था वो सर्प को सूंघा दी, उस जड़ी के सामने, उस जड़ी की महक के सामने सर्प को चक्कर आने लग जाते हैं, वो बेसुध हो जाता है। अब नेवला क्या करता है, जड़ी उस झाड़ी में जाता है, वो सूंघ कर आता है उस जड़ी को और सर्प के सामने दूर से निकट आकर के, कभी दूर हो जाता कभी निकट आता है और ऐसे छोड़ देता है उसको श्वासों को। अब सर्प चक्कर काट, वो डरता उस जड़ी से तो भागने की चेष्टा करता है और कुछ उसको वो ऐसे डगमग सा हो जाता है, तो फिर भाग के वो जंप लगा के नेवला उसके पीछे सर्प के शीश पर आ बैठता है पाछे गए और उसको पकड़ देता है और फिर मुंह के ऊपर फिर श्वास फिर छोड़ता है उसके और वो कति बेसुध हो जाता है, तो सर्प को पकड़ के मार डालता है, नोच डालता है, खत्म कर देता है मुंडी से, मुख से, फन से खत्म कर, फिर मर जाता है। तो यहां क्या बताते हैं कि ये काल तो समझ ले अजगर है और आप नेवला हो, इस काल को आपने कैसे जीतना है उसकी विधि है कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना, उस जगदीश की साधना, वो जड़ी है और उस सच्ची साधना सतनाम के के आगे कहते हैं शेष नाग भी हो, यानी यहां के जो छोटे मोटे काल के व्यवस्थक अनुचर, ये देवता भैरव भूत आदि, इनका तो कहना है कि है, अगर इस नाम के सामने वो काल भी आ जाएगा तो भी उसकी नहीं बसावेगी तुम्हारे सच्चे नाम के सामने मर्यादा से भक्ति करने वाले। नौल नाद सुभान गति ये लड़े भुवंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है विसना व्याप शेष। और फिर क्या उदाहरण दिया है, अंश गवन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़े, कव्वे उड़ उड़ जाते हैं ये खाते मासा हाड़े। अंश दशा तो साध है सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। हंस जो होते हैं संत मते में, हंस किसे कहते हैं, हंस वो भक्त है जिसने दूध और पानी छान लिया, यानी सत असत का जिसने निर्णय कर लिया, बीड़ी शराब मांस तंबाकू चोरी ठगी जारी बकवादों से परहेज कर लिया। एक हंस पक्षी होता है, आपने बुगला बहुत देखे होंगे, बुगले जो तालाबों के आसपास रहते हैं और वहां मछलियां खाते हैं, मछली उन्हें कुछ भी पा जाए, गोगे पा जाए, वो कीड़े मकोड़े भारत जैसे शंख जैसे उसके अंदर मांस सा होता जीव, उसको खा जा। कौवे भी ऐसे खाते हैं, कौवे भी मांस खाते हैं, को मछली ठहगी उसने छोड़ा नहीं है, ऐसे कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो हंस होता है, हंस पक्षी, वो उस मानसरोवर को जहां पर मोती होती है वो मोती खाता है, और बुगले जैसा होता है, अन्य पक्षियों जैसा ही प्राणी है, लेकिन वो मच्छी नहीं खाता, घोगे नहीं खाता, कीड़े मकोड़े नहीं खाता, वो केवल मोती खाता है। और एक गुण है उस हंस पक्षी के अंदर, वो अगर आप उसने एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डाल दो और वो दूध दूध पी लेगा, पानी उसी पात्र में शेष छोड़ देता है। मालिक ने ऐसी कृपा, ऐसी कोई उसके अंदर गुण दिया है कि दूध और पानी को अलग कर लेता है,
जल को छोड़ देता है, दूध को पी जाता है। तो पुण्यात्मा सत्संस उसी को कहा है जो कोई बुराई नहीं करते, चोरी ठगी नहीं करते, चोरी जारी नहीं करते, किसी की आत्मा नहीं दुखाते, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं कर प्रयोग करते। और भाई जिन्होंने दूध और पानी छान लिया कि किस भगवान की भक्ति से कितना लाभ है, और यहां काल के लोक में हम कितने दुखी हैं, हम स्वर्ग महास्वर्ग में भी चले गए तो भी मृत्यु होगी, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, तो उनको हंस कहते हैं। कहते हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, और कव्वे उड़ उड़ जाते हैं वो खावे मासा हाड़े। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंगे। जो हंस होते हैं, अच्छी आत्मा होती है, वो सत्संग छोड़कर नहीं जाते। ये सत्संग तो समझो एक तालाब है, सरोवर है, और आप जी हंस हैं, साध सोए दो सीधा चले, सब बुराइयों को छोड़ दे, भगवान की भक्ति करे, परमात्मा में ध्यान रखे, वो साध होता है। परमात्मा बार बार कहते हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, यानी हम तो साधु समझ जा करते हुए डले ढोवे कान पड़वा रहे, दाढ़ी बढ़वा रहे, जंगल में धक्के खावे, वो साध नहीं। साध तो वे जो सही भक्ति करे, सत भक्ति करे, बुराइयां तो बचकर है, वही मनुष्य साध है। तो क्या कहते हैं, हंस दशा तो साध है, आप जी तो हंस हैं, और सरोवर है सत्संग, और यहां ये परमात्मा के मोक्ष मार्ग रूपी मोती आप चुग रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, और चढ़े नवेला रंग, जितना ज्ञान सुनोगे उतनी आस्था मालिक में और उमंग बढ़ेगी। चाहे सारा संसार एक तरफ और भक्त एक तरफ, आप फिर इस ज्ञान से दूर, इस सत्संग को छोड़कर, इस दास को छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते। और जो यहां से छोड़कर जाते हैं उनके बारे में कहा है, वो तो कव्वे उड़ उड़ जाते हैं, जो खाते मासा हार्ड, जिन पर बुराई नहीं छूटती, लालच लोभ नहीं छूटता, वो जाया करें, वो कव्वे हैं, वो हंस नहीं बने। हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, हंस नहीं जाया करते मान सरोवर ने छोड़कर, जहां ऐसी मोती मिलते हैं। ये कव्वे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मासा हार्ड, हंस दशा तो संसाद है, ये सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। आगे क्या बताया व्रतवाणी में, दर्श परस नहीं अंतरा, दर्श परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच पारस लोहा एक डगिए पलटे नहीं अभीचे। अपने आत्मा कितनी, देखो वेदों और गीता को समझना बहुत आसान है, ये परमेश्वर का जो सूक्ष्म वेद है, परमेश्वर कबीर जी की महिमा से की वाणी, गरीबदास साहेब जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया, कबीर जी ने, गरीबदास जी भी कहते हैं कि मेरा ज्ञान योग दिया खोल, कबीर परमेश्वर जी ने मेरा ज्ञान रूपी योग खोल दिया, अर्थात मुझे वो अपना ज्ञान मेरे में फीड कर दिया। अब उस ज्ञान के आधार से क्या बता रहे हैं गरीबदास साहेब जी ने, दर्श परस नहीं अंतरा, अरुमी वस्त्र बीच पारस लोहा एक कर डेगे पलटे नहीं अभीच। अब हंस और कौवे क्यों बन गए, हंस तो ज्ञान को समझकर समर्पित हो गए, वो तो बन गए हंस, और जिन्होंने मन दिया नहीं, सत्संग में आते रहे, बड़ी अच्छे श्रद्धालु दिखते रहे, लेकिन आस्था बनी नहीं परमात्मा से, गुरुदेव से उनका मेल नहीं बना,
मेल का अर्थ ये नहीं होता कि आप आते हो, सेवा भी करते हो, साथ भी रहते हो, सत्संग भी सुनते हो, लेकिन अंदर से जगह, अंदर से कनेक्शन नहीं बना, अंदर से कसक नहीं बनी, तो कहते हैं उनमें परिवर्तन हो को ना। जैसे एक लोह, एक पारस नाम का पत्थर होता है, पारस एक पारस पत्थर है, पत्थर जैसा होता है सिंपल, और उसको पहचानना सबके बस की बात नहीं, जैसे लाल को पहचानना। तो उस पारस का एक टुकड़ा पत्थर हो 1 किलो का, और उसको चाहे 100 टन लोहे का घिसा दे, एक स्थान पर टच कर दे उसको अच्छी तरह, उनका कतिमेल हो जा, और फिर देखे, कहते उस पूरे के पूरे उस मांस को, मंडल को, उस एक सरिये के लाजा सरिये को, गार्डर के लाजा गार्डर को, पूरे गार्डर के गार्डर को, थाम के थाम को सोना बना देता है। लेकिन कहते हैं परमात्मा लिखे पारस लोहा, दरस परस नहीं अंतरा, अरुमी वस्त्र बीच। अब लोहा और पारस कति साथ साथ रखे हैं, और उन दोनों के टच होने में एक बिल्कुल इतना भी स्थान रह गया ना, जैसे कहते हैं रोमी वस्त्र, जैसे बाल, ये बाल है रोमकूप का, यानी बाल जितनी भी आपस में दूरी रहेगी, या बिल्कुल पतली सी जो वायल होती हैं बहने उड़ती हैं, या पतली चादर मुलमुल का कपड़ा, कति ये भी इतना भी बीच में कपड़ा आर पार हो जाए, इतना भी डिफरेंस आपस में रहा, मिलन नहीं हुआ, चाहे कितने दिन पास रखे रहो लोहा और पारस, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी जो व्यक्ति यहां भी रहते हैं, गुरुदेव के साथ रहते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, और मिले नहीं मन से, वो हंस नहीं बन सकते, वो कौवे रह करें, और ऐसे कौवे फिर छोड़कर इसको स्थान को जा सकते हैं, वो जाएंगे कि उनकी आदत सुधरी नहीं। आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्यनियम में, बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। अब गुरु तो पास ही होते हैं, मिलने का अर्थ क्या है, गुरु जी से एक ही भाव हो जाना, समर्पित हो जाना, मन में दोष ना रखे। गुरु जी कहते हैं गुरु मानुष कर जानते तो ते नर कही है अंध, वह दुखी संसार में आ गए उनके फंद। तो यहां उस सतीथी को क्लियर किया है, दर्श परस नहीं अंतरा रूमी बस्तर बीच, और पारस लोहा एक डिगवो पलटे नहीं अभीच। चार मुक्ति बैकुंठ बट सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। अब गरीबदास साहेब जी बता रहे हैं चार मुक्ति बैकुंठ तक की दौड़ है, और सप्तपुरी ऊपर अलग से एक अलग सात, ऐसे इकट्ठा ग्रुप है, सात उनका नगरी बनी हुई, उनका एक एक राजा बनाया जाता है जो अच्छी आत्माएं होती हैं। कहते हैं कि चौथी मुक्ति जो तुम साधना करते हो, मैक्सिमम चार मुक्ति प्राप्त होंगी, और वहां इन सात नगरियों के राजा भी बन सकते हो, कभी कभी कोई किसी का कुछ सीधा। इनसे आगे धाम कबीर का, आगे ऊपर हंस न पावे जान, यानी अच्छी आत्मा भी है, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी से विमुख हो गए, वो फिर आगे नहीं जा सकते। कहते इन बातें क्या पाई है कर सतगुरु नजर निहाल, यानी गुरु जी की आवश्यकता, गुरु जी का सहयोग, गुरु जी को के चरण शरण में आस्था, इनका जो है ना आखिरी श्वास तक तुम्हें सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप जी इस दास के प्रति किसी कारण से भी कोई मन में दोष रखकर और दूर हो जाते हो, भक्ति भी कर रहे हो, फिर आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आप इस दास के सेवक को, अनुयायी को, इस दास से प्राप्त इस लाइसेंस को, यानी पासपोर्ट जिसने मिल गया, मंत्र मिल गया, जाप मिला, नाम मिला, उस शिष्य को तिरकुटी पर जाकर परमात्मा इस दास के रूप में मिलेगा,
और आप जी हैं जैसे आपका अंतःकरण मिला हुआ इस दास से, जब भी दास बाहर आते हैं आता है तो आपकी आंखें एकटक लग जाती हैं, कहाँ है खड़ू जी, कहाँ से खड़े हैं, तो वो ही दशा होगी वहां पर। और जिनके अंदर दोष होगा, चाहे वो वहां पर पहुंच गए हों, तो वो पीछे न टलाया करें, अब छोड़ छोड़ पांच हजार, तो वहां उनको टाल देगा परमात्मा अपने आप। यानी जो स्वभाव आपका यहां बन रहा है, ये एक रिहर्सल कराई जा रही है आपकी। दास तो एक आप जैसा ही है, आपका ही भाई बहन बच्चा, आपका गुरु ला लो, लेकिन इस दास को आपने परमात्मा समझ के अपना भाव बनाना है उस मालिक के चरणों में पहुंचने के लिए। ये एक इक्वेशन है, ये एक फार्मूला है परमात्मा के पाने का। कहते हैं जैसे एक गणित का एक प्रश्न आता है जिसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, वो ऋण का होता है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए उसमें क्या मानना पड़ता है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, उस ओरिजिनल मूलधन वास्तविक मूलधन को प्राप्त करने के लिए, यानी प्रश्न का हल करने के लिए, सफल होने के लिए, पास होने के लिए, हमने सबसे पहले मानना पड़ता, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, और फिर उसे हम उस वास्तविक मूलधन को प्राप्त करेंगे। वो 100 रुपये बहुत कम राशि होती है, और वास्तविक मूलधन करोड़ों में होता है, लेकिन करोड़ों वाला मूलधन पाने के लिए 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा। इसी प्रकार ये दास को इसी स्थिति में समझो, मान लो गुरु जी भगवान, दास भगवान नहीं, दास है, लेकिन आप जी को ये फार्मूला लाना पड़ेगा, और गुरु जी यहां भगवान है, और भगवान इस दास के पास सामने हो, तो आपकी कैसी बोली, कैसा रहना, कैसे विचार, जिस उस परम शक्ति को हम मिलने जा रहे हैं, जिस महबूब से हम मिलने की तैयारी कर रहे हैं, और वो मिलने सामने खड़ा होगा, तो हमारी कैसी गतिविधि हो, कैसा हृदय में जगह हो, किस प्रकार का आचरण हो, तो ये आपने इस दास के साथ रिहर्सल करके बनानी पड़ेगी। यहां कोई भी है, इस दास को आप आओगे, आते हो, मिलते हो, तो ये सोचे कि हम भगवान से मिलने चले हैं, क्योंकि वहां त्रिकुटी पर आप जाओगे, इस दास के रूप में मालिक बैठे मिलेंगे, और आपके मन में, क्योंकि वहां तो किसी कहने की जरूरत को नहीं, आपके अंतःकरण की अलग से, अब आपके माथे पर बोर्ड लग जाएगा कि इसमें कितना दोष है, इसमें कितना दोष है, रिजेक्ट हो जाओगे वापस, और जो पास हो गए वह पास हो गए। जिन्होंने गुरु जी को जैसा यहां आपका मेरे प्रति व्यवहार है, दास के भगवान के प्रति आपका ऐसा ही होगा। तो यहां क्या बता रहे हैं, चार मुक्ति बैकुंठ बट सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। वाणी जान पाओगे, वाणी दास को गे, जब तक आप गुरु जी के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं होगी। मौन रहे मग्नालय है ये मार्ग बंकी बाट, सुन शिखर गड सुरंग है कर सतगुरु से साठ। साठ माने सतगुरु जी से सौदा कर ले, और सतगुरु के बिना आगे नहीं जा पाओगे। मौन रहे मग्नालय है और मार्ग बंकी बाट, रास्ता बहुत टेढ़ा आगे का। सुन शिखर गढ़ में सुरंग है, ऊपर कहते हैं ऐसी सुरंग में से निकाल के ले जाएंगे भौंर गुफा से, कैसे निकलोगे, कर सतगुरु से साठ। नौ लख नानक नादे में ये 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा ये चरणों चरच कबीर। अब कबीर परमेश्वर की महिमा गरीबदास जी बताते हैं, 9 लख नानक नाद में और 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा और चरणों चरच कबीर। क्या बताते हैं कि 9 लख नानक नाद में, नानक जैसे महापुरुष पुण्यात्मा,
9 लाख नानक नाद में, यानी इसी से आत्मा तो लाखों हैं परमात्मा के चरण जो पार हुई हैं, और 9 लाख नानक नाद में 10 लाख गोरख तीर और गोरख जैसे सिद्ध पुरुष परमात्मा ने यानी उनके सामने आकर के उनको भी अपनी हार माननी पड़ी और सतमार्ग ग्रहण करना पड़ा। लाख दत्त संगी सदा ये चरणों चर्च कबीर, दत्तात्रेय जैसे भी, क्योंकि हम जिन महापुरुषों की गणिमा मान बैठे हैं उन्हीं की नाम गिनाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे तो उस परमात्मा के चरणों में करा कितने आकर समर्पित हुए। 9 लख नानक नाद में ये 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले ये करोड़ तेरे रविदास। अब कहते परमात्मा की शरण माने के बाद अनंत संत भगत आत्मा सतलोक प्राप्त कर गए, बहुत गुणे असंख्य, और करोड़ों रविदास जैसी पुण्य आत्मा भी करोड़ों पार हो उस तरह, यानी जिस क्रिया में जैसे रविदास जी कबीर जी के साथ बहुत निकट रहते थे, उनको पहचान चुके थे, कहते इसे इसे संत भगत भी बहुत कबीर जी के हुए हैं और वो इस तरह भी पास पार हुए हैं। गोरख जैसे आकर वाद विवाद किया, उन्होंने फिर ज्ञान ग्रहण किया, इसे भी बहुत हैं जो परमात्मा के चरणों में लगे हैं। नानक जी जैसे भी को पार किया, जैसे बेई नदी से ले गए उनके ऊपर शरीर को, आत्मा को सतलोक दिखा सचखंड दिखा के छोड़ा, फिर भगवान को पहचाना, कहते ऐसे ऐसे इस तरीके से भी हमने बहुत से पार किए हैं। रामानंद से लक्ष गुरु ये तारे सिसके भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाए। कहते रामानंद से लक्ष गुरु, अब रामानंद जैसी आत्मा भी कहते हैं उनका शिष्य बने भगवान, उनको इस तरीके से पार कर दिया, और चेलिया की तो गिनती नहीं जो सीधे नाम लेकर पार हो गए, जो मालिक के पद में रहे समाए यानी सतलोक में भेज दिए। बोलो सतगुरुदेव। परमेश्वर कबीर जी की असीम कृपा से ये पुण्यात्मा सत्संग सुन रही है, कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे, लख 84 माँ और वही सतगुर सेवा और बंदगी ये फिर मिलन की ना। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।